अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज अहमद, आप देख रहे हैं ए न्यूज। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। मलीर की आवाम का अपने मुंतहब नुमाइंदों के नाम अहम पैगाम। मलीर से मुंतहब नुमाइंदों जनाब एम पी ए सलीम बलोच, रज़ाक राजा, मुर्तजा बलोच, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सुलेमान अब्दुल्ला मुराद के नाम एक अहम पैगाम। मलीर की बेटी और हमारी बहन एडवोकेट सबा फकीर मोहम्मद, जो मेरिट की बुनियाद पर पास हुई, असर शख्सियात की जानब से मलीर की बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। सिंध में 3 एडिशनल की खाली जगहों पर सिंध से 1175 उम्मीदवारों में कराची मलीर की सबा कलमती ने 62 मार्क्स लेकर टॉप किया। टेस्ट में शरीक सारे उम्मीदवार फेल होने पर पहली टेस्ट रद्द करके दोबारा 28 अप्रैल दोबारा टेस्ट कराए गए। कामयाब उम्मीदवार सबा कलमती ने दोबारा टेस्ट को अपने खिलाफ साजिश और मेरिट के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजीद देखिए इस वीडियो में। बहुत डिप्रेशन में हूँ, इस वजह से आज मैं मीडिया के सामने आई हूँ। बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, मैं थी बहुत स्ट्रेस हुई है। उसके बाद कोई और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मैंने और वे ऑप्शन यूज की, इस तक मैं आई हूँ। पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से फील्ड में आई हूँ, किस तरह से मैंने सर्वाइव किए। दरअसल हम लोग कलमती हैं, बलोच हैं। हमारे ट्रेवल में ये होता है कि लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती हैं। मेरे अपने पूरे खानदान में, पूरे कजन में कोई भी कलमती आपको वकील नहीं मिलेगी। मैंने मुश्किल से जद्दोजहद की, मेहनत की और इस तक आ गई। मेरे वाले साहब जो जिंदा थे, उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया कि बेटा एक दिन होगा आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। मेरे फील्ड में आने का इतना इंटरेस्ट नहीं था। अचानक वक्त चलता गया तो मैं स्टडी करती गई, स्टडी करती गई। मुझे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से लेकर आज तक। मैंने कभी किताबों का अपना हमेशा अपना शौक समझा। जैसे कोई गाना गाता है ना, मुझे किताबें खाने का शौक है। सुबह शाम को भी फारी टाइम मिलता। अगर अब तो मोबाइल यूज़ करते हैं हम लोग ना, तो मोबाइल में ऐसा होता है कि कोई भी बुक फॉर्म इस बुक को इसमें सेव करती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आते हुए जाते हुए बुक पढ़ना मेरी एक हैबिट बन चुकी है। इस तरह से मैंने एलएलबी की, फिर मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने इंटर किया। इंटर के बाद उसका शौक और बढ़ता गई, और बढ़ती गई है आगे बढ़। उसके बाद मैंने इस तरह से एलएलबी की। एलएलबी के बाद क्या क्या, हमने वकालत स्टार्ट की, प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट हुई। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का जो शौक था मेरा कभी खत्म नहीं हुआ। तो किताबों से मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। तो दिन में कसरत थी कि मैं एडीजी बनूँ, एडिशनल सेशन जज बनूँ। तो मजिस्ट्रेट के लिए मैंने अप्लाई किया था, मगर उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इंटरेस्ट होता है ना, मैंने कहा मुझे एडिशनल सेशन जज बनना है। पूरे स्टेशन का एक मेरे अंदर जहन के अंदर ये होता है, अगर कोई बात आ जाती है ना, बस वो आ जाती है, तो मैं उसकी तान लेती हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर थी। और फैमिली में क्योंकि कलमती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करें कि अलग का जो प्रोफेशन होता है ना, उसमें इतनी रेस्पेक्ट नहीं है। हमारे मुआशरे में भी इतने जो वकला खातून होती हैं, उनकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं है। मगर हमारे जो सोसाइटी जहाँ हमें बलोच कर जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ इस सोसाइटी वहाँ बहुत ही ज़्यादा कहते हैं। आप भी ऐसा टीचिंग है तो और प्रोफेशन है, मेडिकल है, मगर इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं हो जाता है। तो हर को किसान अपना काम करते हैं, बाकी टाइम बहुत ही कम होता है।